हेलो एंड वेलकम, मैं हूं नीलम मेहरा और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है आपका फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। दीपिका पादुकोण महाभारत में निभाएंगी द्रौपदी का किरदार। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपने फिल्मी करियर में कई विभिन्न किरदारों के साथ अपने अभिनय का जादू बिखेर चुकी हैं और अब दीपिका पादुकोण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पद्मावत और बाजीराव मस्तानी के बाद बॉलीवुड की ये खूबसूरत एक्ट्रेस अब द्रौपदी के किरदार में नजर आने वाली है। इस खास किरदार के लिए 2021 की दिवाली बुक कर ली गई है, यानी 2021 की दिवाली पर असली धमाका तो दीपिका ही करने वाली हैं। वही दिलचस्प बात तो ये भी है कि दीपिका ही इस फिल्म का निर्माण भी करेंगी। इस फिल्म को एक नहीं बल्कि 3 पार्ट में बनाया जाएगा। उन्होंने इसके लिए मधु मोटेना प्रोडक्शन हाउस के साथ करार करने का फैसला किया है। जी हाँ, फिल्म ट्रेन एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल से इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया, बिग न्यूज, दीपिका पादुकोण महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाएंगी। दीपिका ने मधु के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण किया है। कई भागों में यह फिल्म बनाई जाएगी। इसमें पहली बार में रिलीज के लिए फिल्म पद्मावत जैसी पीरियोडिक फिल्म में दीपिका ने राजपूतों की आन बान शान की सिनेमाई पर्दे पर निभाया था और अपने अभिनय से तारीफें बटोरी थी। इसके बाद द्रौपदी के चुनौतीपूर्ण किरदारों को निभाने को लेकर दीपिका बेहद ही उत्साहित हैं और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा रोल बता रही हैं। इससे पहले फिल्म के लिए आमिर खान से लेकर नितेश तिवारी का नाम भी सामने आ रहा था। केंद्रीय पात्र में होगी दीपिका, मधु मटेना इस पर फिल्म बनाने जा रही हैं। दीपिका इस फिल्म में केंद्रीय पात्र होने के साथ सूत्रधार भी बनेंगी। वह पूरी महाभारत की कहानी को बयां करते हुए 3 भागों में दिखाई और सुनाई देंगी। इसी शर्त पर दीपिका ने फिल्म के लिए हामी भी भर दी है। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए दीपिका पादुकोण ने दिए अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैं द्रौपदी की भूमिका निभाने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हूँ। महाभारत एक पौराणिक कथा और सांस्कृतिक प्रभाव के लिए जानी जाती है। इस फिल्म को नए दृष्टिकोण के साथ बनाया जाएगा और आपको बता दें कि दीपिका की इन दिनों अपनी फिल्म छपाक को लेकर काफी ज्यादा बिजी है। फिल्म छपाक अगले साल जनवरी में रिलीज होगी। इसके अलावा वो फिल्म 83 में दीपिका रणवीर के साथ नजर आएंगी। वो कपिल देव की पत्नी रोमी देव का किरदार भी निभाएंगी। इस अपडेट से जुड़ी आपकी जो भी राय है, आप प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप हमारी न्यूज को today.com पर भी देख सकते हैं और YouTube पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज़।